केरल में कुदरत का कहर जमकर बरप रहा है। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। यहां तक कि ये आफत लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है। राज्य में अब तक 20 लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं, वहीं लाखों लोग अब भी प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें केरल की है, जहाँ भारी बारिश और भूस्खलन से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। इडुक्की, कन्नूर, वायनाड, मल्लपुरम, पलक्कड़ और कोझिकोड जिले में चारों तरफ बस पानी ही पानी है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक सब तालाब में तब्दील हो चुके हैं। यहां तक कि इस बेईमान मौसम की जद में आने से राज्य में अब तक 20 लोग अपनी जिंदगी भी खो चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक इडुक्की में भूस्खलन से 10, मल्लपुरम में 5, कन्नूर में 2, वायनाड जिले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कोझिकोड जिले में कई व्यक्ति लापता है। हालांकि इदावालेयर बांध से सुबह करीब 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इससे उडुक्की बांध का जल स्तर 169.95 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया। कोझिकोड और वायनाड जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण एनडीआरएफ का एक दल कोझिकोड पहुंच गया है। केंद्र से उत्तर केरल के लिए 2 टीमें भेजने को कहा गया है। बारिश के कारण इडुक्की, कोल्लम और अन्य जिलों में शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने पेरियार नदी में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए विमानों की लैंडिंग बंद कर दी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।